हेलो फ्रेंड्स, रूबीज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ राइस पाउडर और मिल्क पाउडर से कैसे गुलाब जामुन बना सकते हैं, आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2 कप दूध ले लिया है। दो कप दूध में 1.5 कप मिल्क पाउडर डाल देंगे। और इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। 2 टीस्पून के आसपास घी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। दूध और दूध पाउडर अच्छी तरह से गाढ़ा होने तक इसे पका लेंगे। यहाँ हमारा दूध पाउडर अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम एक बर्तन में 2 कप पानी डाल देंगे। 2 कप पानी में 2 कप शुगर डाल देंगे। हमारी शुगर को अच्छी तरह हमें मेल्ट करना है। थोड़ा थिकनेस महसूस हुए तो बस काफ़ी है। यह हमारा शुगर सिरप रेडी हो गया है। अब हम इसमें एक नींबू का छोटा पेस्ट डाल देंगे 2 मिनट तक और इसे पका लेंगे। यह हमारा 2 मिनट हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। दूध का पाउडर का जो मिक्सचर तैयार किया था हमने एक बॉल में अलग से निकाल दिया। अब हम इसमें थोड़ा इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून के आसपास डाल देंगे। 1/2 कप मैदा डाल देंगे। 1 कप के आसपास राइस पाउडर डाल देंगे। 1/4 टीस्पून मीठा सोडा डाल देंगे। इन सबको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं उसी तरह से हम इसे गूंथ के ले लें। हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें इसे अच्छी तरह अच्छा टाइट गूंथना है। बिना पानी के सहायता से हमने इसे अच्छी तरह से गूंथ लिया। अब हम इसे गोल शेप में ले लेंगे। आप चाहे तो अपनी मर्जी का कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर गोल शेप ही दे रही हूँ। इस तरह से हम गोल शेप में इसे बना लेंगे। ये देखिए, एक और दिखा दूँ, ये देखिए, इसी तरह हम सारे बना लेंगे। यहाँ हमने सारे तैयार करके ले लिए हैं गोल शेप। यहाँ हमारा तेल भी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई करते वक्त हम लो फ्लेम में मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक सके, अंदर कच्चा ना रहे। यह हमारा रसगुल्ला फ्राई हो गया है। मैंने यहाँ पर डार्क कलर होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। आप चाहे तो लाइट कलर में ही निकाल सकते। अब हम इसे तेल से निकाल कर चाशनी में डाल देंगे। इसे चाशनी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें चाशनी अच्छे से आ। बाकी की सारी रसगुल्ले भी इसी तरह से हम फ्राई करके ले लें। यह हमारा रसगुल्ला रेडी हो गया है राइस का। और इसे हम 2 घंटे तक चाशनी के अंदर डुबो के रखें। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा गुलाब जामुन रेडी हो गया है। आइए देखते हैं, एक पीस दिखाती हूँ मैं कैसे बना हुआ है। अच्छा सॉफ्ट है,
और खाने में भी बहुत यम्मी है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं एक दिखाती हूँ, एक पीस बहुत ही टेस्टी और यम्मी है, आप भी अपने घर में ट्राई कीजिए। ओके बाय फ्रेंड, फिर मिलेंगे अगली रेसिपी में।